आजमगढ़ जनपद के रवनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआर बैदौली अंबेडकर मूर्ति के पास बाइक सवार अज्ञात तीन बदमाशों ने बाइक सवार पर जा रहे युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पीठ में लगी है और बदमाश फरार हो गए, जबकि एक युवक के दाहिने बांह में गोली छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार रवनापार थाना क्षेत्र के रहुआर बैदौली लाटघाट रोड पर अंबेडकर मूर्ति के पास शुक्रवार शाम 4:30 बजे बाइक सवार अज्ञात तीन बदमाशों ने दूसरे बाइक से जा रहे तीन युवकों पर तमंचे से फायर झोंक दिया, जिससे एक युवक के दाहिने बांह में गोली छूकर निकल गई, जबकि एक युवक को पीठ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश तमंचा लहराते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बाइक पर सवार तीनों युवक जीयनपुर थाना क्षेत्र के लाटघाट बाजार निवासी सूर्यांश चौरसिया पुत्र हरिप्रकाश, अभिषेक पुत्र प्रमोद, विशाल पुत्र रामाश्रय हैं। सभी युवक रवनापार थाना क्षेत्र के कुमुद सिंह पीजी कॉलेज मसूरिया पार रवनापार आजमगढ़ से स्मार्टफोन लेकर आ रहे थे और सर्वप्रथम उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज कराकर सदर अस्पताल आजमगढ़ के लिए भेज दिया गया। मौके पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन, सीओ व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है।